तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप का, कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर पिक्चर को लुकअप करेंगे। और एक मेरे पास नेम है, डेटा में छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं डेटा किस तरह से बना रहा हूँ। और इसको भी मैं किसी और फील्ड से कलर कर देता हूँ, ताकि हम लुकअप करते समय आइडेंटिफाई कर सके। और इस पे हम जो है चार्ट, जो है लाइन चार्ट मान लीजिए, लगा देते हैं। लाइन चार्ट के तो लाइन चार्ट मतलब ये चार्ट, लाइन चार्ट होता है ना, हमारा फ्लो दिखाने के लिए। यहाँ से हमने सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट किया और ये यहाँ से लेके हमने पिक कर लिया, लाइन चार्ट हो गया। कॉलम चार्ट के लिए हम यहाँ से पिक करेंगे, पाई चार्ट के लिए हम यहाँ से पिक करेंगे। अब मेरे पास दो डेटा है। अब मेरे पास अगली सीट है, वहां पे मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, और डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं डेटा वैलिडेशन वाले वाले टूल्स, मतलब कि डेटा मेनू बार में हमारे पास डेटा वैलिडेशन होता है, उस पे जाता हूँ, और यहाँ लिस्ट होता है। इस लिस्ट पे जाके मैं दे देता हूँ कि भाई नेम वाइज चाहिए या मंथ वाइज चाहिए, राइट। मतलब कि जब मैं नेम पे सिलेक्ट करूँ तो सीट वन से मेरा ए पूरा का पूरा एरिया उठ के आना चाहिए। मैं पेज लेआउट में जाके मैं इसकी बैकग्राउंड ग्रिड लाइन को हटा भी दे सकता हूँ, लाइनिंग हट जाएगी। मतलब कि अगर मैं नेम पे क्लिक करूँ तो ए एरिया आ जाए, अगर मैं डिव बॉक्स में जाके मैं मंथ पे क्लिक करूँ तो हमारा ए एरिया आ जाए। समझिए सर क्या करना है। जी तो अभी तक हमने चार्ट कैसे बनाया ये चीज भी देख ही लिया आपने, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया ये भी देख लिया आपने। इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इसको यूज कर लिया, मतलब ये आगे की टॉपिक है, ठीक है। तो ठीक है हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैं इस इन, अब जैसे कि इन तीनों एरिया को देख लीजिए, तो एरिया है A6, A1 से लेके F6 तक का, ठीक है। तो जी अभी एक्सेल इसको जानता है सीट वन A12 A F6, लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार में गया और डिफाइन नेम में जाके हमने इसका मंथ नाम दे दिया, ठीक है ना, मंथ दे दिया। अब एक्सेल इसको मंथ के नाम से जानता है, इसको एक्सेल आप C1A12F16 के नाम से नहीं जानता, इसको जानता है मंथ के नाम से। हमने इसको एक निक नेम दे दिया, और ऐसे ही इसको भी हम एक निक नेम दे देते हैं। क्या इसका नेम दे दिया निक नेम, तो दोनों को हमने नेम दे दिया निक नेम। उसके बाद हम इस पूरे एरिया को कॉपी करते हैं किसी एक एरिया को, और यहाँ अपने एक्सेल सीट पे यहाँ पे जाते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, राइट सर। जी तो अब इसको इससे लिंक मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते समय आपने देखा कि सीट A1 से F6 बन के आया। अगर मैं यहाँ पे मंथ लिख दूं फिर भी मेरा डेटा शो करेगा, अगर मैं ऊपर में मंथ के जगह पे नेम लिख दूं तो मेरा नेम का एरिया से करेगा। मतलब कि मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूं और ऊपर जो फॉर्मूला बार दिख रहा है उसमें अगर मैं चेंज करता हूं मंथ तो मंथ के हिसाब से होगा, और चेंज करता हूं मैं नेम तो नेम के हिसाब से डेटा आएगा। यहां तक समझ में आ गया। जी अब इसमें दिक्कत यह है कि मैं यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ B3 में ड्रॉप डाउन पे जो सिलेक्ट करूँ वो चेंज यहाँ होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो मंथ आपका दिख रहा है एक्सेल इसको समझ रहा है ABCD टेक्स्ट, इसको ये नहीं समझ रहा है कि फॉर्मूला वार में दिया गया निकनेम मंथ है,
इसको ये समझ में नहीं आ रही है, मतलब कि अगर मैं कहीं भी मान ली सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं और सम में अगर मैं ऐसे ही मंथ लिखा, यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं दे रहा हूं, मंथ लिख दिया एंटर मार दिया तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसी मंथ को अगर मैं बोलूं कि भाई बी वन से लो तो फिर और जीरो देगा, क्योंकि बी वन का मंथ को इसके साथ वो जोड़ नहीं पा रहा है। तो उस इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है कि इनडायरेक्ट जो है वो किसी भी सेल वैल्यू जो करेक्टर में लिखा, सेल एड्रेस जो करेक्टर में लिखा हुआ है उसको रेफरेंस में चेंज करता है। आप फॉर्मूला एवलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंथ जो मिला इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मिला, और एक्सेल में या वीवीए में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो एबीसीडी है, टेक्स्ट है, नाम है, समझ गए, वो निकनेम या रेफरेंस नहीं है। तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। देखिए कन्वर्ट कर दिया इसके रेफरेंस में सीट वन टू एफ वन टू एफ सिक्स, एक काम करता है। तो कहने का मतलब है कि क्या हम इसमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्या बोल रहे सर? हेलो जी जी लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जो हमारा पिक्चर लिंक है, जो हमने पिक्चर लिंक किया है, और जो पिक्चर लिंक है वो पिक्चर लिंक किसी भी तरह के फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो दो चीज को एक्सेप्ट करता है, खाए तो सेल का एड्रेस दीजिए A1 B1 B1 जो भी है, या फिर आपने उसका जो डिफाइन किया हुआ निकनेम है वो निकनेम दीजिए। तो दो चीजों के अलावा इसमें से तीसरी चीज नहीं लेगा। अब दो चीज दे कैसे हम, लेकिन हमने देखा कि हमने बताया कि ए जो है निकनेम ले लेता है, डिफाइन नेम ले लेता है। तो हमने क्या किया, डिफाइन नेम किया, और डिफाइन नेम में मैं मान लीजिए कि देता हूं SH, ऐसे कुछ नाम दे दिया। और यहाँ डिफाइन नेम बोलता है कि मैं किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो मैं इनडायरेक्ट के अंदर ब्रैकेट ओपन किया और इस मंथ को सिलेक्ट कर लिया। अब इनडायरेक्ट क्या करेगा, SH को कन्वर्ट कर देगा इस मंथ से हमारा डिफाइन नेम मंथ में, जो कि यहां सम में कर रहा है। यहां देखिए एक बार हम जैसे SH पे गए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे सीधे फॉरवर्ड कर देगा मेरे डेटा पे। कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ तभी तो डेटा पे चला गया। ओके, तो अब मैं यहां पे जो मैनुअली नेम ले रहा था इसके जगह पे मैं SH कर देता हूं। SH एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बन के आया, उसको दे दिया हमने। अब मैं जैसे यहां पे चेंज करूंगा, जैसे मैंने नेम किया तो ये नेम कन्वर्ट करेगा SH को, और SH चेंज करेगा आपको चार्ट को। समझ में आया सर? हेलो ठीक है सर, ठीक है, आपको समझ में आया मनोज जी? मनोज जी समझ में आया? सर वही कह रहा हूं, ये SH वाला जो पार्ट है जहां इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया वो दोबारा देखो। तो क्या बताता हूं सुनो, ये जो मंथ है ये मंथ इस सीट को लिंक नहीं कर रहा है, इसको लिंक करने के लिए उसको इनडायरेक्ट चाहिए। यहां तक समझ में आ गया आपको? जी। इनडायरेक्ट हमारा क्या बना, एक इंटरप्रेटर बना जो कि एक्सप्लेन करता है कि दिस मंथ इज नॉट ए टेक्स्ट, दिस द रेफरेंस, समझ गए? जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनडायरेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पे जो हमने मान लीजिए कि सेल एड्रेस ए दिया B3,
तो बी थ्री में जो मंथ लिखा हुआ है, ये मंथ एक तरह का हमारा सेल एड्रेस है, मतलब कि डिफाइन नेम है। इस चीज को समझाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा ना सर। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पिक्चर लिंक है, पिक्चर लिंक किसी भी फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इनडायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है सेल रेफरेंस या डिफाइन नेम को। ये समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। लेकिन डिफाइन नेम कहता है कि मैं किसी भी फॉर्मूले को एक्सेप्ट करता हूं। अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि ये आपका ये जो ये है, मतलब कि पिक्चर लिंक है, वो किसी फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ रेफरेंस और नेम को एक्सेप्ट करता है। और नेम कहता है कि मैं फॉर्मूले को एक्सेप्ट करूंगा। तो मैं क्या, मेरा यहाँ पे मेरे, मैं क्या करूँ, किया मैंने एक फॉर्म, एक नेम बनाया जिसमें वो फॉर्मूला डाल दिया जो फॉर्मूला मैं चार्ट के अंदर डालना चाहता था, पिक्चर लिंक के अंदर डालना चाहता था। समझ में आया? नहीं तो इनडायरेक्ट शीट एसएच लिया ना आपने सर, तो उसमें कैसे कनेक्ट किया अपन? हमने एसएच नाम दिया और इनडायरेक्ट शीट बी थ्री दिया। याद रखिए बी थ्री जी, यहाँ आया दिख रहा है आपको जी, बी थ्री लिया। तो बी थ्री पे क्या लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्या करे, इनडायरेक्ट क्या कर रहा है कि इस मंथ नाम जम्प, इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इसकी मंथ को कनेक्ट कर दे रहा है, बोलता है कि एस एच जो है वो मंथ को शो करेगा। तो मंथ को शो किया। अगर मैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर चेंज कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ, तो इनडायरेक्ट इसका आपका एस एच का इनडायरेक्ट कहेगा कि मुझे नेम को शो करना है, देखा। तो इसी चीज को अब कर दिया हमने यहाँ पे, एस एच को हमने नेम और मंथ ना देके मैं एस एच दे दिया इसका। तो यहाँ पे यानी कि जैसे नेम मंथ के अलावा जैसे सिटी भी डाल दें, तो जितने भी है वो सब पहले अपन डिफाइन करने पड़ेंगे। हाँ, आप यहाँ पे जो भी जिस एरिया को शो करना चाहते हो उस एरिया को आपको डिफाइन नेम में डिफाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट में डाल दीजिएगा। जो भी ड्रॉप लिस्ट में आएगा वो एसएच से होते हुए चार्ट में दी जाएगा। अच्छा, अरे एक बार दोबारा बता देंगे, मंथ के अलावा जैसे मान लीजिए कोई सिटी का डाटा डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी वाइज जो है डेटा डाल देता हूँ, सिटी और सेल्स। ये बाय डिफॉल्ट उठा लेता है कि आप कैसे ड्रॉप डाउन करते हैं? मैंने एडवांस में जाके, एक्सेल सेटिंग में जाके एडवांस ऑप्शन में मैंने कस्टम लिस्ट डिजाइन कर रखा है, इसलिए उठा रहा है। कस्टम लिस्ट, अच्छा, यहाँ होता है फाइल में, ऑप्शन में एडवांस, और सबसे लास्ट में आएंगे नीचे तो आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, और हमने लिस्ट जो है बना रखा है बाय डिफॉल्ट जैन फैब संडे मंडे जनवरी फरवरी होता है। मैंने चार लिस्ट बना रखा है, तीन लिस्ट बना रखा है, पूजा का, आईटी का और पुणे का। सर इसमें ना हरियाणा का स्पेलिंग सही कर लीजिए, वही है। अच्छा सर, कर हरियाणा और पंजाब का, ठीक है, कर सकते हैं सर। ओके, और फिर इस पे, अब इस पे मैं चार्ट देता हूँ अपना पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को यहाँ रख देता हूँ। अब मैं इसका नेम डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ यह डिफाइन नेम, और यहाँ सिटी कर दिया। डिफाइन नेम में सिटी डाला आपने, एरिया आ गया। डिफाइन नेम पहले एरिया को सिलेक्ट कर ले, डिफाइन नेम में जाए, नाम डाल के ओके कर दे। अब मैं यहाँ पे सिटी तो नहीं डाल सकता क्योंकि डेटा वैलिडेशन लगा रखा हूँ, तो मुझे डेटा वैल्यूएशन में जाके चेंज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर डेटा वैल्यूएशन आपने नहीं लगा रखा है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिटी, अब देखिए मैं यहाँ पे नेम, मंथ और सिटी, ठीक है जी। अब डाउट नहीं था।
तो इस तरह से आप अपने पिक्चर को लुकअप कर सकते हैं, पिक्चर लुकअप के माध्यम से। तो फाइल को मैं सेव कर देता हूं ताकि आप इसको, आपको मैं दे सकूं पीएल के नाम से, कर देता हूं पिक्चर लुकअप। अब इसमें अभी अब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे अपने क्लिपबोर्ड की। चलिए मतलब कि क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में वापस चलते हैं। तो क्लिपबोर्ड सेक्शन में एक यहाँ आपके पास पेस्ट तो हम पढ़ी चुके हैं पूरा, कट पढ़ चुके हैं, कॉपी तो पता ही है, कट कॉपी तो पता ही है, पढ़ाने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट पेंटर पढ़ा सकता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप एक ऑलरेडी पेंट कर चुके हैं, मैंने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुके हैं, मैं सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देते हो, फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा फिर मुझे दूसरी कहीं और चाहिए तो वापस क्लिक करने पड़ते हैं, फिर कहीं और चाहिए तो वापस क्लिक करने पड़ते हैं। तो आपको कई सारी जगहों पे करने हैं तो आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, फिर आप आराम से करते जाइए फॉर्मेट जहां जहां आपको फॉर्मेट करना है। जब आपका फॉर्मेट खत्म हो जाएगा तो फिर वापस इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका वो फॉर्मेटिंग हटके नॉर्मल कर्सर बन जाएगा। ठीक है सर जी। अब एक चीज और बोलते हैं, आप बात करते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है, मैं यहां पे कुछ डेटा के लिए फिल करता हूं जगह। सर ये कलर कैसे हटा दिए शॉर्टकट की से, क्या शॉर्टकट की था? कोई शॉर्टकट की नहीं था, डबल क्लिक ए डिलीट कर हाँ दिया, ये वाला, कंट्रोल माइनस कर दिया, मैं इसे कॉलम ही डिलीट कर दिया। ठीक है ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास इस तरह से तीन चार शीट पे डेटा है। हाँ, तीन चार शीट पे मेरे पास, पांच शीट मान लीजिए, पांच शीट पे डेटा है और पांच शीट पे मेरे पास अलग अलग डेटा है। छठे शीट पे मुझे इन सबको कोलेट करना है। कोलेट समझते हैं कि मैं इसको कॉपी करूं, फिर जाऊं और यहां पे पेस्ट करूं, फिर शीट टू पे जाऊं, कॉपी करूं और इसको इसके नीचे पेस्ट करूं, फिर ऐसे शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव। मतलब आप क्या करते हो, पहले जाते हो, सिलेक्ट करते हो, कॉपी करते हो, फिर सबसे लास्ट में, यहाँ लास्ट में आते हो और फिर पेस्ट करते हो। तो यहां पे अब क्या है कि मुझे इस काम को शॉर्ट करना है। तो इस काम को फुल्ली ऑटोमेट तो नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 50% जो काम है वो 50% काम को कम कर सकता हूं। कैसे? तो यहां पे हम क्या करेंगे कि अपना क्लिप बोर्ड ऑन करेंगे। यहाँ एरो की दिख रहा है ना, एरो करेंगे। क्लिप बोर्ड जब आप ऑन कर देते हैं तो जो भी कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। चला गया। तो अब मेरा काम है जस्ट कॉपी करने का, बस हम कॉपी करते चले जाएंगे। और जहां पेस्ट करना है हम पेस्ट ऑल करेंगे, क्यों नहीं, मुझे डबल क्लिक करना था सॉरी। तो डबल क्लिक किया और पेस्ट ऑल पे, देखिए पूरा डेटा हमारा पेस्ट हो गया। हो गया सर, मैं डिलीट कर दिया और फिर क्लियर और क्लियर क्लियर हो जाएगा। मतलब कि कहीं से भी कॉपी कर रहे हैं आप, मान लीजिए कि आप कॉपी कर रहे हैं इंटरनेट से, जैसे मैंने इंटरनेट पेज सर्च पेज पे गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे कि एक्सेल सर्च कर लिया आपने, मेरे पास बहुत सारे डेटा लिस्ट आ गया, मुझे एक एक करके कॉपी पेस्ट करना है इसके लिंक को। तो मैं सिर्फ सिलेक्ट करूंगा और कॉपी करते चला जाऊंगा, कंट्रोल कॉपी। यहां देखिए 1/24 आ गया, फिर इसको सिलेक्ट किया, कॉपी 2/24। मतलब कि एक बार में आप 24 कॉपी को ऐड कर सकते हैं, फिर आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, 24 का इसका लिमिट है। उससे पहले अपने एक्सेल में क्लिपबोर्ड ऑन होना चाहिए, तभी ये कॉपी लेगा। हाँ हाँ,
उसके बाद आपको जहां पेस्ट करना है एक्सेल में जाइए, पेस्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, वो सारा पेस्ट कर देगा। कर दिया। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर जो लिंक रिपीटेड होगा उसको दोबारा कॉपी नहीं करेगा, ये एक मापने एक ही चीज को दो बार कॉपी कर लिया तो उसको कॉपी नहीं करेगा सर, पेस्ट नहीं करेगा, ऐड ही नहीं करेगा, रिप्लेस कर देगा उसी को। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। तो आज हमने आपका क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन खत्म कर दिया, कल हम फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर वगैरह पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग बेसिक, कुछ बेसिक ट्रिक्स है फॉर्मेटिंग के जो कि हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज की जो फाइल थी हमारी, उस फाइल को भेज देता हूँ पिक्चर लुकअप वाली, ताकि आप उस पे अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो क्लास छोटी रहेगी सर, कल कुछ है क्या? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ छोटी है आज, तो 20 मिनट में खत्म कर दिया मैंने। सर टॉपिक पे डिपेंड करता है ना, अभी आपको पिक्चर लुकअप को प्रैक्टिस करने में 2 घंटे लगेंगे। तो सर जो मैंने फाइल दिखाई थी उसके अंदर पिक्चर लुकअप लगेगा उसके अंदर? हाँ लगेगा, ठीक है ना। ईमेल आईडी क्या है? विनायक, ये ना विनायक चौधरी। और आपका एल्डर बनो, एल्डर ELDER ELDER, ये मनोज जैन सेकंड नंबर, ठीक है। फाइल भेज दी है मैंने आपको सर। एक बार दोबारा एक्सेल खोलिए, एक चीज पूछना था। एक मिनट मैं फाइल अटैच कर लेता हूँ। क्या पूछना मुझसे? एक बार एक्सेल यहाँ पे सर मैं कोई नाम लिख दीजिए। तो मैं फाइल लिख दिया। अब सर जैसे आपने ये लिखा सुजीत, तो हर करेक्टर की अपन ने एक वैल्यू दे दी। हर करेक्टर क्या करना है? एक वैल्यू दे दी, मान लीजिए s is equal to 1 है, u is equal to 1 है, 2 है, j 1 है, e से 3 ले लिया, t से 5 ले लिया, तो ये इन सबको कैसे जोड़ सकता है क्या एक साथ? सर उसके लिए कर तो जोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनेगा। मतलब आपके हम यहाँ पहले तो हम यहाँ पे एक लिस्ट रखेंगे, जो लिस्ट हमारे पास है एस यू जे ई एन टी, इसका जो जो भी नंबर है वो नंबर को पहले हम अलग एक सीट पे रखेंगे, ठीक है, करेक्टर का। फिर यहाँ पे हम देंगे सम, सम में होगा आपका मिड, नहीं सम में होगा हमारा वी लुकअप ऐसे वी लुकअप एरे सपोर्ट नहीं करता है, फिर मैं करके देखता हूँ, लेकिन वी लुकअप एरे सपोर्ट नहीं करता है। मिड, मिड में हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 1 2 3 4 5 6 करेंगे, कॉमा 1 और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं कॉमा 2। सर ये 1 किस लिए लगाए है कर्ली ब्रैकेट के बाद? बताएंगे आपको सर, ये भी समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं नहीं सम किया इसने, क्योंकि वी लुकअप नहीं करता। फिर इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। ओके सम इफ मिड, इसको सेलेक्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 1 is equal to text, तो control shift enter, थ्री जो 8 है 3 जो 9 8 है, ये गवर कैसे हो गया फिर?
एक मिनट मैं इसको फॉर्मूला एवलेट करता हूँ। थ्री फोर फाइव सिक्स एस यू जे डबल ई टी इज इक्वल टू सॉरी सर मॉडम भी स्टार्ट हो गया था 5285। अच्छा ये तो नहीं होता था इसमें फर्स्ट को एंड लास्ट एक मिनट ये मैच क्यों नहीं कर रहा है ये मैच करना चाहिए था इसको सुजीत ने पहले एक्सप्लेन करके इसमें अलग कर दिया पहले को मैच किया एस और एस मैच हो गया फिर यू और ई फॉल्स क्यों हुआ ये कोई दिक्कत लग रहा है सर। अच्छा सर एक शीट शेयर करूं एक बार आपको ठीक है सर भेज दीजिएगा मैं दो पर बैठ लूंगा ये सब क्वेश्चन पे मैं इसको दो पर में करके दिखाता हूं आपको ठीक है। नहीं आप मेरा एक बार इस पे शेयर देखो ना एक बार स्क्रीन पे एक बार मैं कैसे शेयर करूं अपनी फाइल को शेयर मैं स्क्रीन पे क्लिक कीजिए तरीके तो है फिर इसमें नहीं तरीका तो बहुत है इसमें ऐसा तो बात नहीं तरीका नहीं है तरीका है फिर इफ लगाना मुझे एक एक करके इफ लगाना पड़ेगा इसमें सर जी देखिए यहाँ पे जैसे रवि का फाइव ले रहा है मनोज का आठ ले लिया यार देखिए क्या लगाया इसने फॉर्मूला दिखाइए तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा समझ नहीं आ रहा कहाँ पे एक मिनट सीट सीट टू पे जाइए जी E126 पे तो कहीं कुछ आ ही नहीं रहा हाँ E126 पे जाइए ना आप यहाँ पे नहीं सर हाँ नहीं नहीं कर्सर रखिए E26 पे डबल क्लिक कीजिए तो इस पे नहीं कुछ नहीं रहा सर एक मिनट वापस फॉर्मूला पे जाइए तो प्लस सीट E26 इस पे डबल क्लिक कीजिए तो अच्छा प्रोटेक्ट है ओके ये प्रोटेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे कुछ और विजिबल कर रहा है अब जी जी सीधे ना यहाँ से जो उठा ही रहा है जैसे अभी आपको मतलब नहीं इस तरह आपका क्या रहा है हाँ समझ गया और इसका नंबरिंग इसका एक बन जाएगा इसको इस बताया ना आपको इसके इस फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा वैसे बात नहीं है हो जाएगा ठीक है वो मैं कुछ न्यूमरोलॉजी का बना रहा था तो मैंने कहा इसको ये तो मिल गया था लेकिन अब फॉर्मूला नहीं मिल रहा तो इसके आगे की शीट्स अच्छा नहीं कर पा रहे एक बार आप जाइएगा फॉर्मूला इसमें रिव्यू में जाइएगा अनप्रोटेक्ट कीजिए तो पासवर्ड डाला हुआ ठीक है मैं एक दो बार में आपको एक इसका रिजल्ट देता हूँ ठीक है सर तरीका तो है इसमें लेकिन लंदी तरीका थोड़ा सा है एक अब शायद हो गया प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट हो चुका है अब इसमें डबल क्लिक कीजिए तो इसमें डबल क्लिक